सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों, आप में से बहुत बहुत लोगों ने प्रोग्रामर की वैकेंसी के बारे में पूछा कि प्रोग्रामर की वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊँ कि वैकेंसी कहाँ है, इसका पिछला पेपर कैसे हुआ था, क्या रिजल्ट निकला था, सिलेबस क्या है, अब क्या सीन है, कब ये वैकेंसी निकलेगी। तो इन सभी क्वेश्चन का जवाब मैं लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को गौर से देखिए और पूरा देखना। कई बार आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं लेकिन आपके कुछ क्वेश्चन हैं वो दिमाग में रह जाते हैं, फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछते हो जबकि मैंने उसका आंसर उस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर दे रखा है। तो अगर वीडियो के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपका अभी भी मैंने सम्मिलित नहीं किया इसके अंदर, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, या फिर आप मुझे technoguru@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रामर की वैकेंसी। एक्चुअली प्रोग्रामर की वैकेंसी ये क्या है तो आपको बता दूं मैं कि जब आप DUITC की बात करते हैं, जो अभी अपने ने एग्जाम हुआ था IA का, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का, तो थोड़ा सा उन लोगों के लिए अपडेट दे दूं कि इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट जो RSMSSB बोर्ड ने लिया था उसका जो रिजल्ट है वो अभी पेंडिंग है और करीबन 20 तारीख के बाद उसका रिजल्ट आने की संभावना है, कंफर्म नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि रिजल्ट आ भी गया तो फाइनल सिलेक्शन के ज्वाइनिंग अभी पॉसिबल नहीं है, चुनाव के बाद ही होगी। तो ये एक अपडेट उन लोगों के लिए जो IA का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो DUITC का जो देखो आपको पता होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, जिसके लिए इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, इसी के बाद नेक्स्ट पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोग्रामर और उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट होती है वो होती है हमारी प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर की जो वैकेंसी है वो किसके लिए होगी, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। क्लियर? तो ये क्या पोस्ट है, ये एक गजेटेड अधिकारी की पोस्ट है और 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो मैं आपको पहले इसका मैं 2013 का जो इसका नोटिफिकेशन है वो बताया था कि नोटिफिकेशन क्या है। अच्छा, जो कोई भी आप नोटिफिकेशन आप मैं या जो कुछ बताऊंगा इसको वो सब मैंने अपनी वेबसाइट technoguruamit.com पे दे रखी है। आप गूगल पे सर्च करके मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे कंप्यूटर नोट्स के अंदर आपको सारे कंप्यूटर नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट है सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन का, जो मैंने प्रोग्रामर के लिए है वो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। गवर्नमेंट वैकेंसी के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे जो मैंने बताए हैं नोटिफिकेशन, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, रिजल्ट्स वगैरह 2013 के, अगर आपको RPSC के साइड पर नहीं मिलता है तो आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ऐसे कैसे मैंने सिलेबस भी डाल दिया है जो आप प्रोग्रामर या कोपा का जो सिलेबस है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं 2013 की। 2013 प्रोग्रामर की जो विज्ञप्ति निकली थी वो निकली थी 173 पोस्ट के लिए, लेकिन बाद में दोस्तों बढ़ाकर इसको 191 कर दिया गया था। तो इसमें देखो लिखा भी था कि शासन से रिक्त पदों का वर्गीकरण प्राप्त होने पर शुद्धि पत्र यथा समय जारी कर दिया जाएगा। बाद में शुद्धि पत्र आया था और 191 पोस्टों के लिए ये इसमें कम्प्लीटली एग्जाम हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले क्लियर कर दूं मैं आपको कि ये जो वैकेंसी है ये बहुत ही अच्छे लेवल की वैकेंसी है। मतलब इसका अगर आप ग्रेड पे देखोगे तो भी अच्छा है, 4800। हालांकि इस विज्ञप्ति के अंदर इसका जो ग्रेड पे है वो 4200 दे रखा था, बाद में इसका जो ग्रेड पे बढ़ाकर 4800 कर दिया था। देखो यहाँ पर गौर करो, 4200 मासिक नियत पारिश्रमिक नियमानुसार। उस समय जो IA का ग्रेड पेट था वो 2400 था और इसका 4200 था, बाद में IA का 2800 किया गया और प्रोग्रामर का 4800 किया गया। तो अगर किसी को ग्रेड पे इसमें तो नहीं आता है तो मैं सब क्लियर बता दूँगा कि आज की डेट में प्रोग्रामर की जो सैलरी है वो 50 से 55,000 के बीच में होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी लेवल की ये जॉब है। जितनी अच्छी लेवल की जॉब है, गजेटेड पोस्ट है, उतनी ही इसका जो एग्ज़ाम है उतना ही धांसू होता है। जो अपने नेट का एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, और साथ में जो गेट का एग्ज़ाम होता है, उस लेवल का एग्ज़ाम इसके अंदर आता है। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई थी, 57-55 के आसपास कट ऑफ गई थी। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल टफ होता है। तो 2013 में जब निकला था 173 पोस्टों के लिए, तो पहले कौन भर सकता है ये बता दूं मैं आपको। इसके अंदर जो BE BTech यानी जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है, MSc कर रखी है, तो वो आप इसको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर रखी हो चाहे कंप्यूटर साइंस में कर रखी हो, ECE जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है वो, और MCA, ये इतने लोग इसको भर सकते हैं कंप्यूटर की डिग्री। दोबारा सुन लो, BE इंजीनियरिंग में, MSc और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन EC, ये। तो अब देखो कुछ लोग कहेंगे इंजीनियरिंग मैंने मैकेनिकल में करके तो भर सकता हूँ, नहीं भर सकते बॉस, क्योंकि यहाँ पे लिखा है BE BTech MSc इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के, दो कैटेगरी वाले इंजीनियरिंग वाले ही भर सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया इसकी कैटेगरी, मतलब कौन कौन से लोग इसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद में एमटेक अगर आपने कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ईसीई के अंदर, तो आप इसे प्रोग्रामर की वैकेंसी को भर सकते हैं। इसके अलावा एमबीए अगर रखा है आपने आईटी के अंदर, तो आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि सर हमें बताया कि इसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो इसमें एक्सपीरियंस अब नहीं मांगते हैं। और पहले एसीपी के अंदर जो एग्ज़ाम था, उपनिदेशक की जो एग्ज़ाम होता था, उसके अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस था, प्रोग्रामर में 2 साल का था। बाद में एसीपी में कर दिया 3 साल का, प्रोग्रामर में से एक्सपीरियंस को हटा दिया। तो अब आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप प्रोग्रामर का फॉर्म भर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। जो इसमें रूल वही है कि जो लास्ट टाइम तक अगर आप कोई लास्ट ईयर में हो, तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, बशर्ते जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन आपकी सारी सेक्शन की अर्हता पूरी होनी चाहिए, मतलब आपके पास में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। बाकी उम्र सीमा, ये तो अभी अपना नोटिफिकेशन तो है नहीं, जो मैं डिटेल में पढ़ू बता दिया मैंने आपको कि 2013 में किस प्रकार से आया था, ताकि आप इसे कुछ पढ़ सको। मेन इसमें देखने वाली बात है इसका सिलेबस। तो सिलेबस दोस्तों इसका ये था कि इसमें दो पेपर होते थे, पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट के अंदर छोटा सा पोर्शन आता था रीजनिंग का, और वो बीबीए का जनरल नॉलेज का ये छोटा सा पोर्शन था। उसके अलावा पेपर फर्स्ट में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, यानी नेटवर्किंग और डेटाबेस फर्स्ट पेपर में आती थी। और सैड सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन और प्रोग्रामिंग कंसेप्ट इन जावा, ये आती है अपने सेकंड पेपर के अंदर। इतना इसका पेपर होता था, बताया था पेपर का लेवल मैंने कि नेट लेवल का और गेट लेवल का पेपर इसके अंदर होता है, ठीक है। पेपर आता था, और उसके बाद पेपर के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये इसका पेपर फर्स्ट है जो कि 2013 में आया था। यहाँ पर आप एक पढ़ सकते हो, 6 नंबर पॉइंट, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जाएगा, यानी 0.33 आपकी कटौती होती थी। तो इसमें देखो, स्टार्टिंग में पेपर फर्स्ट में 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के, और बाद में 10 क्वेश्चन थे वो आपके जीके के थे, तो टोटल 20 क्वेश्चन थे। बाकी सारे क्वेश्चन और आपके किसके थे, एसक्यूएल के थे और नेटवर्किंग के थे। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्वेश्चन को देखकर कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार से थे। ये देखिए, आपको जिस प्रकार से इसमें दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, आपको इसमें से आंसर निकालना है, आपको पता करना है कि जो इन्होंने बताया है वो आंसर सही है कि नहीं है, बहुत ही अच्छे लेवल का है। तो आप यकीन मानिए दोस्तों, आप महीने भर की पढ़ाई से आप प्रोग्रामर के पेपर को क्लियर नहीं कर पाते हैं। अभी जो प्रोग्रामर का जो लेटेस्ट स्टेटस वही है कि 124 पोस्टों की जो फाइल है वो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर पेंडिंग है, और ओवरऑल देखी जाए तो 300 पोस्टें हैं जो प्रोग्रामर की अभी तक वैकेंट है। तो मेरे हिसाब से अगले साल मार्च अप्रैल मई तक, ये मैक्सिमम मई से पहले पहले प्रोग्रामर की वैकेंसी निकल जानी चाहिए। तो अभी से आप इसकी तैयारी कर लोगे तो बेटर रहेगा, और ये जो इसका सिलेबस है ये दूसरे एग्जाम्स के अंदर भी आपका काम आएगा, क्योंकि जावा एसक्यूएल नेटवर्किंग हर एग्जाम्स के अंदर होती है, तो वहाँ पर भी आपके काम आएगा। तो इसका जो फर्स्ट पेपर है वो आपको दिखा दिया मैंने, सेकंड पेपर है वो बताया तुम आपको मैं, सेकंड पेपर है इसका, इसमें आपके आएगी सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कुछ मिलती जुलती है, तो उसके भी जो पार्ट्स आएंगे कुछ, और उसके अलावा जो होगा वो आएगी आपकी जावा। तो आप इसके पेपर है जो बताया मैंने आपको, पेपर यहाँ पर आपके मैंने गवर्नमेंट वैकेंसी के अंदर मेरी साइट पर पेपर दे रखे हैं, आप चाहो तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके अच्छे से रीड आउट कर लेना, ठीक। तो पेपर की बात हो गई, सिलेबस की बात होगी, अब बात आते हैं कि इसका सिलेबस अपने कवर कैसे करें। तो इसका अपने पेपर का सिलेबस कवर करने के लिए बताऊं मैं आपको कि जो आप बीसीए के अंदर जो या फिर एमसीए के अंदर जो पढ़ाई करते हैं, और वहाँ पे इससे रिगार्डिंग जो बुक्स होती है आप उन्हीं को पढ़िए, उसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ बुक्स के नाम बता दूं जो मैं प्रेफर करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल जावा है, तो जावा के लिए ई बाला गोस्वामी के जो जावा का एडिशन, लेटेस्ट एडिशन वो ले लीजिए। इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें थ्योरी भी मिल जाएगी आपको, प्रैक्टिकल भी मिलेगा। तो एग्जाम में इन एग्जाम्स के अंदर थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है, प्रैक्टिकल थ्योरी के लिहाज से कम पूछे जाते हैं, तो आपको इस किताब में आपको बखूबी सारी जावा मिल जाएगी। इसके अलावा अगर डीबीएमएस की बात करो तो फंडामेंटल ऑफ डीबीएमएस है, अंशुमन शर्मा की बुक है, बहुत अच्छी किताब है, इसमें आपको लगभग सब मिल जाएगा, नॉर्मलाइजेशन आपका, ईआर मॉडल, पीएल एसक्यूएल, एसक्यूएल ट्रिगर्स, डेटा मॉडल, सब कुछ मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी लेवल है इसका। तो लेटेस्ट एडिशन आप इसको परचेज कर सकते हो, तो आपके हमेशा के लिए डीबीएमएस में काम आएगी। तो ये बुक्स भी जो है आप इनके लिए यूज कर सकते हो। रीजनिंग और जनरल नॉलेज के लिए आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है, आपको पता है आपके पास अभी कंटिन्यू जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके पास में आपके बुक्स होती है रीजनिंग की, वहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो जो बेसिक फोकस रखना है वो किस पे रखना है, डीबीएमएस पे, कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर देखो, ये बहुत छोटा सा पार्ट देखा कंप्यूटर नेटवर्क्स का, इसलिए मैं पर्टिकुलर कोई बुक नहीं बताई। बीसीए के अंदर जो बुक लगती है, या एमएससी के अंदर, या फिर कोई भी कंप्यूटर कोर्स के अंदर जो नेटवर्किंग बुक होती है, स्टार्टिंग की जो बुक होती है वहाँ से पढ़ लो, वहाँ पे इनफ है, उतना ही इसके अंदर दे रखा होता है, ज़्यादा इसमें स्पेशल कुछ नहीं दे रखा।
CAD के लिए जो बुक है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के लिए, वो बुक मैंने आपको बता दी है। मैंने अपनी वेबसाइट पर आपको कंप्यूटर नोट्स के अंदर सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की बुक मैंने लगा दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये बुक आपको अगर कहीं से भी नहीं मिलती है तो कोई और बुक है तो भी आप दे सकते हो, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट बुक लगती है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। इसमें लगभग सारा सिलेबस इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड का ये हो गया, सिलेबस की बात होगी, जावा की बात बता दी मैंने आपको। अब बात करते हैं इसका रिजल्ट का, कि जब ये रिजल्ट निकला था 2014 में, जब इसका रिजल्ट आया था 2013 की विज्ञप्ति का, तो लगभग कट ऑफ गई थी 55 के आसपास। तो ये मैंने रिजल्ट भी आपने बता दिया यहाँ पे, आप रिजल्ट को पूरा एनालिसिस कर लो। एसटी कैटेगरी के अंदर तो 36% भी पूरे नहीं थे जनरल के अंदर, तो क्योंकि पेपर टफ था रियल में, तो ये इस वजह से ये इतनी कट ऑफ नीचे गई थी। तो ये भी मैंने यहाँ पर वहाँ पे लगा रखी है, आप गवर्नमेंट वैकेंसी के अंदर जाओगे तो यहाँ पर मैंने इसका रिजल्ट लगा रखा है, तो आप चाहो तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये इसके बारे में प्रोग्रामर नोटिफिकेशन बता दिया मैंने, 2013 का क्या होता है प्रोग्रामर का जो वैकेंसी है उसका बता दिया। तो वैकेंसी का वापस रिपीट कर दूं मैं कि वैकेंसी अभी वित्त विभाग के अंदर अभी अपने पेंडिंग है और अगले साल तक ये फ्लोर पे आ जाएगी, और लगभग मेरे हिसाब से 150 से लेकर 300 पोस्टों के बीच में प्रोग्रामर की वैकेंसी निकलेगी। तो आप जो भी तैयारी करना चाहते हो अभी से इसकी तैयारी कर लो। अब रही बात मेरी तैयारी करवाने की, तो मैं आपको बता दूं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको जावा का और डीबीएमएस का पार्ट अभी स्टार्ट करवाने वाला हूं। क्योंकि देखो मेरे चैनल पे 5 प्रकार के वीडियो चलते हैं, यूट्यूब सपोर्ट के भी चलते हैं, टेक ट्यूटोरियल्स भी चलते हैं, साथ साथ में मैं कंप्यूटर नोट्स के अंदर से करवा रहा हूं। तो कंप्यूटर नोट्स के अंदर अभी आपको ये मिलेंगे, जिसमें डेटाबेस का काम कराऊंगा मैं और साथ में आपको मैं जावा का काम कराऊंगा, ताकि आपसे प्रोग्रामर या फिर दूसरे एग्जाम के अंदर भी अगर आते हैं तो आपके क्लियर होता जाएगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको धीमे धीमे विद इन 2 मंथ के अंदर मेरे हिसाब से डेटाबेस का पूरा काम हो जाएगा, जावा का पूरा काम हो जाएगा, उसके बाद लेंगे सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन को। तो ये बाकी एग्जाम्स में भी मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनको कवर कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है कि पेपर क्या था, नोटिफिकेशन क्या है, और पेपर एग्जाम में कैसे आता है तो मैंने वो भी बता दिया, एग्जाम में नेटवर्क नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है वो भी बता दी, और लास्ट में बता दूँ वापस में कि जो पोस्टें हैं वो अभी अगले साल आएगी, फिलहाल अभी नहीं आएगी। तो आई थिंक इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपके रह जाती है प्रोग्रामर की वैकेंसी से रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी मेल आई डी technogurumit@gmail.com पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वैसे मैंने अपना फ़ोन नंबर है वो भी मैंने आपको दे दिया है, जो व्हाट्सअप है, तो आप कॉन्टैक्ट अस में साइट पर जाओगे मेरी, तो वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस के अंदर मिल जाएगा। ये तो मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है जो मेरा, और जो नीचे जो 3 नंबर है ये है लू टाइपिंग प्रो सॉफ्टवेयर है अपना जो टाइपिंग का, उसके लिए मैंने ये नंबर दे रखे हैं, आप एक कस्टमर केयर नंबर यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक इनफ है आप लोगों के लिए प्रोग्रामर की वैकेंसी के लिए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक, नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद इस डिटेल में बात करेंगे। तो देखते हैं टेक्नोगुरु अमित, अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।